यीशु नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, प्यारा नाम मिला, तेरा जीवन बदल गया, तेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। सच में जिस जिस को यीशु मसीह का नाम मिल जाता है, चाहे वो कितना भी परेशानी में गुजर रहा हो, कितना भी दुख और दर्द में गुजर रहा हो, कितना भी तंग हाल हो, कितना भी परेशान हो, सच में उसका जीवन बदल जाता है। सच में उसके जीवन की सारी परेशानी का हल हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यीशु नाम में सच्चा जीवन है। यीशु नाम में वो सामर्थ है, वो ताकत है, जो दुनिया के किसी नाम में नहीं है। मैं उस नाम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उस नाम की बहुत कद्र करता हूँ। मैं उस नाम की बहुत हम्द और सिताइश करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ मेरे दोस्तों, कि यीशु नाम आपके जीवन को बदल देगा। यीशु नाम आपकी हर एक समस्याओं का समाधान कर देगा। मैं आपको बताऊँ, यीशु नाम ऐसा नाम है जो बंजर जमी में, सूखी जमी में खूबसूरत फसल उगा सकता है, सूखी नदी में मीठा जल बहा सकता है, और उसने बहाया भी है। अपने लोगों के लिए समुद्र को दो भाग बांट सकता है, अपने लोगों को समुद्र में से निकाल के ले जा सकता है। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम की सामर्थ के बारे में बताता हूँ कि उसका नाम आपका किसी भी तरीके का रोग हो, कितना भी पुराना रोग हो, यीशु नाम से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 38 साल का मरीज ठीक हो गया था, आप क्यों नहीं ठीक होंगे? विश्वास कर करें, विश्वास कीजिए और उसके नाम को मानिए, और प्रभु यीशु आपको हर उस परेशानी से निकाल देंगे जो आज तक ना आपकी दौलत ने निकाला है, ना आपकी ताकत ने निकाला है। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, सारा को ऐसे ही नहीं, 80 साल की उम्र में पुत्र होने का वरदान मिला था। ज़रा सोचिए, 80 साल की उम्र में एक सारा नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, ये कितना बड़ा अजीब काम है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उस नाम में कोई भी कमी नहीं है। उस नाम के द्वारा आप जो चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ पाया है। मैंने अपने जीवन में हर उस चीज़ को पाया है जो प्रभु यीशु के नाम से मुझे मिला है। मैं अपने जीवन में हर आशीष पाने के लिए यीशु नासरी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत
बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझ जैसे नाचीज को चुना, मुझ जैसे कमज़ोर, मुझ जैसे गरीब, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को चुनकर अपनी महिमा स्तुति के लिए चुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के लिए कोई डिग्री और कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती। प्रभु यीशु आपको आपके मन में आए तो वह आपको सब कुछ सिखा देगा। आप अमेरिका जैसे शहर में जाकर अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी में बोलोगे, भले ही आपने अंग्रेजी का ABCD भी ना पढ़ा हो, वो घूंगे को जुबान देता है, वो जन्म के अंधे को रोशनी देता है, आंखों की रोशनी देता है। प्रभु आपको भी सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। प्रभु आपको भी उन आशीषों से लबरेज करने के लिए तैयार बैठा है जो आपके जीवन में अब तक नहीं आई है। आप सुन रहे हैं, आप मेरी इस आवाज़ को सुन करके यीशु नाम को पुकारिए। मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो किसी योग्य भी नहीं, लेकिन वो नाम आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सच्चाई से जिया हुआ जीवन, आपने सुना है ना, सच्चाई कोसों दूर जाती है और झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता। इसलिए सच्चाई का दामन पकड़ करके ईमानदारी के साथ यीशु नाम को ग्रहण करके आगे बढ़ते जाइए। आपको कोई कमी आने नहीं देगा, आपका सर किसी के आगे झुक नहीं पाएगा। वो नाम सब नामों में आला है, वो नाम मेरे जीवन का उजाला है, वो नाम आपके जीवन का उजाला है। मेरे साथ आप भी गाइए कि मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैं गा करके बताता हूँ। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको अपनी आशीषों से लबरेज करें। मैंने कई बार बताया कि यीशु मसीह ने, उस खुदा ने सूखी हड्डियों में जान भरी, उस खुदा ने योना नबी को 3 दिन तक मछली में रहने के बाद जिंदा धरती पर उगलवाया। जो परमेश्वर दानियल के लिए शेर के मन को बदल सकता है, जो परमेश्वर योना के लिए उस मछली के मन को बदल सकता है, वो आपके लिए आपके विरोधी का मन भी बदल सकता है। वो आपके विरोधियों को आपके कदमों में लाने की सामर्थ्य रखता है। आपका बैरी आपके आगे झुकाने की सामर्थ्य रखता है। उसने ऐसे नहीं इज़राइल में कह दिया था कि किसी का अस्त्र और शस्त्र तुझ पर कामयाब नहीं होगा। वही वचन, वही अल्फाज, वही शब्द प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी कहना चाहता है। ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे दोस्त, दुश्मन का कोई भी तीर, दुश्मन का कोई भी अस्त्र और शस्त्र तुम पर और मुझ पर कामयाब नहीं होगा। आज आपने देखा ना इसराइल को, किसी की मजाल नहीं जो इस बार इसराइल को हरा सके, क्योंकि उन पर यीशु नासरी का आशीर्वाद है। भले ही उन यहूदियों ने यीशु को सलीब पर लटकाया क्यों ना हो, उसी इसराइल में फिर यीशु नासरी धरती पर आने के लिए तैयार बैठा है।
आपको और मुझे प्रभु के आने तक अपने विश्वास में बने रहना है। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा भी, और हद तक कोरोना का अंत हो चुका है। मैं अपने परमेश्वर से विनती करता हूँ, प्रभु 100% धो दे हमारे देश को कोरोना से निकाल के बाहर कर, ताकि हमारे देश का हर वो नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अमीर गरीब सब सुख और चैन से रह सके। प्रभु हमारी विनती को कबूल कर, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे देश को कोरोना मुक्त कर। प्रभु अपनी आशीषों से हर उस शख्स को लबरेज कर दे जो प्रभु हमारी इस प्रार्थना में शामिल होकर हमारे इस प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके जीवन के सारे अंधकार में रोशनी ला दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि आप बीमार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको यीशु नाम से चंगा हो जाने की प्रार्थना करता हूँ। यदि आप बेरोजगार हैं तो यीशु नाम से आपको नौकरी मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यदि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, यदि आपके मन पर बहुत बोझ है, वो शांति का राजकुमार, वो जिंदा परमेश्वर आपके सारे बोझ को हर लेने की सामर्थ्य रखता है। आप सलामत रहें, आप खुश रहें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।